वालेकुम डियर स्टूडेंट, मां असर जाद हुसैन मल्ला असान क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास, यानी जो को मोल आए वो मास में कन्वर्ट किए थी इन जो आए असो ही पार्ट वन लेक्चर है। पार्ट वन इन करे तो बाकी जो बो पार्ट है उनमें असा मास के मोल में तब्दील कंदे। जो अज पार्ट वन है लेक्चर जो उनमें असे असके लेट सपोज मास कें शे जो मिलल होंद उन मोल कैलकुलेट कंदे, वो बो लेक्चर है उनमें असके मोल मिलल होंद मास कैलकुलेट कंदे। यानि इन इन जहाँ पार्ट्स आज पे पार्ट्स में असके कें शे जो मास बुधाया वो असके मोल कैलकुलेट करना, असके मोल फाइंड आउट करना, मोल क्वेश्चन मार्क मिलल होंगी। चे तो इन तरीके में द मेथड इन विच मास ऑफ एनी सबिस्टेंस कन्वर्ट इंटू द मोल्स, अड़ो तरीको जैमें अस कें शे जो कें भी शे जो मास जो है वो कन्वर्ट क्यों मोल्स में इज कॉल्ड मोल मास कन्वर्जन। उनके मोल मास कन्वर्जन चाहबो या वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब होंद, वाइस वर्सा मतलब होंद मास कन्वर्ट कर मोल्स में या मोल्स कन्वर्ट कर मास में। जैसे मास मोल में कन्वर्ट थी सके तो वाइस वर्सा जो मतलब है तो मोल्स भी मास में कन्वर्ट थी सकता, मतलब उन उल्ट उलट जो रिएक्शन हाँ ये जो फॉर्मूला है वो है मास के मोल्स में कन्वर्ट करने वाला तरीको। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स किए कैलकुलेट कबा गिवन मास ऑफ सबिस्टेंस कें भी शे जो तुम्हें मास बुधाया वो ग्राम्स में, उनका बाद में मोलर मास ऑफ सबिस्टेंस उन फॉर्मूला में उन मास भी खड़ी कर तुम रखो, तो टोटल मास के उन फॉर्मूला वे मास से डिवाइड कर छो। डिवाइड करने का भी तुम्हें जवाब मिलो वो उन नंबर ऑफ मोल्स होंदा। एक एग्जाम्पल है तुम्हारे बुक में ही है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है फुल फॉर्मूला अव कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये चूने वो पत्थर थी कारपेट थी जैमें जैसे असम कीमियाई नालो दिनों कैल्शियम कार्बोनेट यानी कारपेट भी चाहिए अव इनके। सॉल्यूशन है गिविन मास ऑफ सबिस्टेंस यानी गिविन मास शा मिलल है घना ग्राम मिलल कार्बोहाइड्रेट जहाँ कार्ब कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ अस मिलल टोटल 200 ग्राम यो गिविन मास है। उन बाद में मोल जो मोलर मास है कि लहंदे यानी इन फॉर्मूला जो मास कें लहंदे ये एक मोल है अगर कोई नंबर न हो जैसे इनके वन चवंदे वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट कंदे। मोलर मास कें कैलकुलेट थो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन जहाँ टे आइटम कैल्शियम जो मास हों 40 जो बो आइटम है कार्बन उन मास हों 12 ऑक्सीजन एकड़ी होंगी एक ऑक्सीजन बराबर होंगी है 16 के 16 इन जो है एटॉमिक मास यूनिट हों ऑक्सीजन मास है 16 तो 3 जो 48 648 हाँ कहे 40 प्लस 12 प्लस 48 अस टोटल क्या 100 ग्राम थींदा मोलर मास है 100। नंबर ऑफ मोल्स कें लाइबा इन में हाँ अस नंबर ऑफ मोल्स लेने के लिए गिविन मास, गिविन मास कड़ो है असके गिविन मास है 200 200 ग्राम मथा रखे उन बाद में मोलर मास घो 100 हेठा रखे बुड़ियों बिन बुड़ियों में खत्म 00 में खत्म थी वा बाकी एक जो खोड़ो बिन से हणदे तो जवाब अची वो असाजा ब लास्ट में रखासी मोल्स। इन फॉर्मूला की मदद से तुम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सोता। हाँ ही है तुम्हारो एच डब्ल्यू यानी हे प्रॉब्लम तुम्हें पा कर पर्सनल नंबर से शेयर कर छोड़ो तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 50 ग्राम माना गिविन मास ये अव बाकी इन मालिकुलर मास लो कार्बन जो ऑक्सीजन मिलाए कर 50 के उन डिवाइड कजो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। थैंक यू।